कुरान में नहीं है अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतु बिला फज़ल, ये तो है ही नहीं, 30 पारों में नहीं है। मैं अपने दावे में झूठा हो गया। मैंने कहा था दिखाऊंगा, जब उन्होंने कहा दिखा तो मेरे पसीने छूटने लग गए। झूठे आदमी के पसीने निकलते कि नहीं निकलते? तो मैंने कहा मौलाना ये हम पढ़ते हैं कुर्बतन लिल्लाह, पर कुरान में नहीं है। उन्होंने कहा ये कुरान में नहीं है तो हदीस में दिखा दे, पैगंबर ने फरमाया हो भाई सारे तुसी पढ़ो अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतु बिला फज़ल, हुजूर ने भी नहीं फरमाया। देखो भाई बात सुनो, मैं बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता ये आपके नारे पर, इसलिए कि फिर हमें तबलीग कौन करने देगा? दुश्मन और बहुत ज्यादा है। बेशक यकीन जाने कि मैं उनको भी काफिर समझता हूँ, मानता भी हूँ, क्योंकि वो अबू बकर उमर उस्मान की वजह से नहीं, वो तो तहरीफ है कुरान की वजह से कि शिया कुरान को नहीं मानता, मौजूदा कुरान को नहीं मानता। इसलिए जो कुरान का एक हरफ न माने वो कौन है? हाथ खड़े करके कहें। तो जो सारे कुरान को न माने, तो लिहाजा ये बात नहीं है, ये बात नहीं है, वो काफिरों का भी बड़ा काफिर है। बहरहाल आप ना कहें, जब अल्लाह ने उनको लिख दिया है काफिर, कुरान का मुनकर जो है कौन है? कुरान का मुनकर कौन है? काफिर है। लिहाजा कोई भी हो, शिया का क्या मतलब, जो भी हो, जो भी अल्लाह की किताब का मुनकर है वो कौन है? हद खड़े करके कहिए कौन है? बात खत्म हो गई। और पहले अली वली का मुनाजरा तो सुन लो भाई, जब अली वली साबित नहीं होया तो मुसलमान की तो साबित हो सकता है? मुसलमान तो साबित नहीं हो सकता। मैंने 27 साल शियों का इमामत कराई है, 27 साल, एक दो दिन तो नहीं। फखर इमाम मेरा मुक्तदी, आपदा बीबी मेरी मुक्तदी, जीवने जीवन शाह जीवन वाले मुक्तदी, मखदूम नासिरुद्दीन शाह मेरे मुक्तदी, अली रजा मुक्तदी, मोहम्मद रजा मुक्तदी, 7 गांव हैं पीर महल के, वो 7 के 7 गांव जो हैं वो मेरे मुक्तदी। और मैंने 500 जनाजे भी पढ़ाए हैं और 1100 निकाह भी पढ़ाए हैं। क्योंकि मैं हक की बात कर रहा हूं, सच की बात कर रहा हूं और ऐनुल यकीन की बात कर रहा हूं। सुने, मौलवी इस्माइल मुझे मिला बस में, उस वक्त वो जिंदा था, मुनाजर है, बहुत बड़ा मुनाजर था। उसने कहा मौलाना मोहसिन रजा चंगी गले, तू अली नु छड़ के सिद्दीक नु मनने। मैं कहा हौसला कर, मैं अली नु नहीं छड़िया, सिद्दीक सच्चे नु मनिया ना, और सच्चे नु मनिया ना, उदे मुंह तो निकल गया सिद्दीक सिद्दीक। मैं क्या सच्चे नु मने ना, हां किनु मने? सच्चे नु मने। और खुदा दे बंदे, मैं क्या, मुझे 2-3 साल हुए मैं हज पे गया, 2006 में गया और 7 को वापस आया। वहां सिपाही साहबा ने मेरी 6 तकरीर करवाई मक्के और मदीने में। अल्लाह गवाह है, मक्के वाले भी सिपाही साहबा वाले और मदीने वाले भी सिपाही साहबा वाले। हाथ खड़े करके कहे। खुदा की कसम, 6 तकरीरें,
अगर आप पूछ ले मक्के वालों से कि मोहसिन रजा की तकरीर वहाँ कोई आबियात का आदमी हो तो पूछ सकते हैं कि उन्होंने जबल हिंदी और जबल सूडान इन दोनों पर मेरी तकरीरें हुई और मदीना मुनव्वरा में कारी रमजान ने अपनी कोठी में अंदर अस्ताखाने में मेरी तकरीर करवाई। मदीने मुनव्वरा के सारे सिपाही सहाबा वाले हाजिर हुए और उन्होंने शान सहाबा मेरी जबान से सुनी और फिर मैंने उनको भी कहा और आपको भी कहा। मैं जब मदीना रोजे रसूल पर गया तो एक हदीस लिखी मैंने देखी रोजे रसूल पर और मैं अपने भाइयों को भी कहता हूँ जो मैं छोड़ कर आया हूँ अगर हैं तो मेरे भाई। मैंने कहा उस रोजे रसूल पर हदीस ये है कि हजूर फरमाते हैं कि अगर कोई भी जहां का रहने वाला कहीं का भी रहने वाला अगर वो मेरी रोजे की ज्यारत करे तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वाजिब है कि मैं उसकी शफात करूं, वाजिब है कि मैं उसकी शफात करूं। तो मैंने कहा वो सिपाही साहबा वालों ओ सिपाही साहबा के बुन करो याद रखो ये बात कि जो दूसरा कोई यहाँ से पाकिस्तान से इंडिया से यूरोप से कोई आदमी अगर हज करने रोजे रसूल पर जाता है तो हजूर फरमाते हैं कि मैं उस मुझ पर वाजिब है कि मैं उसकी शफात करूं जो एक दफा ज्यारत के लिए आए। मैंने कहा जिनको 1400 साल हो गए हजूर के साथ पड़े हैं उनके मतलब क्या वो 1400 साल जो हजूर के साथ है उनकी अभी तक शफात नहीं हुई। हा हा मलंग मैनु आखन लगा मोहसिन रजा तू बारह नू छड़ के बारह इमामा नू छड़ दिताई ते किनू तू मन्या है। मैं क्या मैं उन्हू मन्या है जेड़ा बारह दा इमाम है। हाय 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 मैं उन्होंने मनिया है जेड़े बारह का भी इमाम है। बारह का भी इमाम है। आखे किवें मैं आख्या अपनी किताब पढ़ किताबा तेरिया रवाना रवानिया मेरिया किताबा तेरिया रवाना मे रवानिया मेरिया। पहली हदीस हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला बुखारी शरीफ इस वास्ते सुन्नी नू पक हो जावे बिलाल युज़िना हु बिस्सलात फकाल अबरु अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास। हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला रिवायत कर दियन के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मर्द वक्त विच हजरत बिलाल आए फरमाया या रसूल अल्लाह नमाज असर का टाइम हो गया है ते नमाज पढ़ाओ। हजूर ने फरमाया अबू बकर नू आखो के लोगा नू नमाज पढ़ावे। आ भाईया ए ता सुनिया दी किताब बुखारी है मेरे मार्के दी किताब है जिदा ना है एहतजाज तिबरसी अभी तालिब तिबरसी सफा 307 लिखते हैं सुम्मा कामा व तहियाल सलाते व हजरल मस्जिदा व सल्ला खलाफा अबू बकरिन। हजरत अली उठे वुजू कीता ते मस्जिद जाके अबू बकर सिद्दीक दे पीछे नमाज पढ़ी।